हेलो विलन्स, हाउ आर यू? और यार कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज के इस वीडियो में जितनी भी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब गाइस सबसे पहले ट्रिक के अंदर मैं बताऊंगा कि मिलिट्री बेस के पास आपको यहाँ पर जो मशीन देखने को मिल जाती है, कैसे आप यहाँ पर इसके अंदर की तरफ जा सकते हो। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस मशीन के पास आ जाना है, एंड यहाँ पर आने के बाद एक आर्कटिक वॉल यहाँ पर बिल्ड करनी है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आपका जो टीममेट होगा बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर इसके अंदर की तरफ चला जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो जो एक्स्ट्रा ब्लॉक से यहाँ पर उन्हें तोड़ सकते हो, एंड जो लास्ट रिमेनिंग ब्लॉक होगा आर्कटिक वॉल का, आप सिंपली उसके ऊपर एक दो पंच मार के उसे डार्क ब्राउन कर सकते हो ताकि बाहर की तरफ से बिल्कुल भी वो विजिबल ना हो। अब गाइस मैं बताऊंगा कैसे आप ये ट्रिक सोलो के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो। अब गाइस ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप इस मशीन के पास आ जाना है, एंड यहाँ पर इसके पास आने के बाद आपको सिंपली इधर क्राउच करके एक आर्कटिक वॉल बिल्ड करनी है। एंड एट द सेम टाइम आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मूव करना है, बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ पर इस मशीन के अंदर आ जाओगे। अब गाइस अगर आपको यहाँ से बाहर की तरफ शूट करना है तो आपको क्या करना है, आपकी जो गन है वो हल्के से यहाँ पर बाहर की तरफ निकाल लेनी है, एंड बिना किसी दिक्कत के अगर आप चाहो तो अपने एनिमीज को नॉक एंड फिनिश यहाँ से दे सकते हो। अब गाइस अगर आप चाहो तो बिना किसी दिक्कत के यहाँ से बाहर की तरफ थ्रोएबल्स भी फेंक सकते हो, एंड अगर इनकेस आपका टीममेट यहाँ पर बाहर की तरफ नॉक हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसे अपने नीचे की तरफ आने के लिए बोलना है, एंड आर्कटिक वॉल की मदद से उसे ऊपर की तरफ बुला लेना है, एंड आप अंदर रहते रहते उसे रिवाइव भी दे पाओगे। अब गाइस कोई भी बंदा आपको यहाँ पर बाहर की तरफ से डैमेज नहीं दे पाएगा, एंड अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो सिंपली बाहर की तरफ जंप करके आ जाना है। अब गाइस अगली ट्रिक के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप रोजो के इस घर के अंदर एक बिल्कुल सीक्रेट रूम के अंदर जा सकते हो। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर सबसे पहले इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाना है और अपने टीममेट को बोलना है कि यहाँ पर सिंपली इस कॉर्नर के अंदर आके खड़ा हो जाए, एंड जैसे आप बाहर की तरफ से एक आर्कटिक वॉल यहाँ पर बिल्ड करोगे बिना किसी दिक्कत के आपका जो टीममेट होगा वो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बिल्कुल सीक्रेट रूम के अंदर चला जाएगा, जहां पर कोई भी बंदा किसी भी कॉस्ट पर उसे स्पॉट नहीं कर पाएगा। एंड अगर वो चाहे तो इस चीज का पूरा फायदा यहां पर उठा सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी कॉस्ट पर उसे यहां पर बाहर की तरफ से डैमेज नहीं कर पाएगा। एंड अगर कोई भी बंदा आपके टीम का बाहर की तरफ यहां पर नॉक हो जाता है तो आप अंदर की तरफ से उसे रिवाइव भी दे पाओगे। अब गाइस एक बार मैं आपको ट्रिक करके दिखा देता हूं, आपको सिंपली इस कॉर्नर के अंदर आके खड़ा हो जाना है, एंड जैसे आपका टीममेट बाहर की तरफ से एक आर्कटिक वॉल यहां पर बिल्ड करेगा आपको सिंपली एक छोटी सी जंप लेनी है, एंड बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ पर सीक्रेट रूम के अंदर आ जाओगे। अब गाइस अगर आप चाहो तो बिना किसी दिक्कत के यहाँ से बाहर की तरफ थ्रोएबल्स फेंक सकते हो, एंड अगर कोई भी स्क्वाड आपके ऊपर पुश कर देती है तो आप सिंपली यहाँ पर बाहर की तरफ जाके उन्हें बिल्कुल सरप्राइज अटैक यहाँ से दे सकते हो। अब गाइस बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट किए चलते सीधा अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप किसी भी स्क्वाड हाउस के अंदर एक बिल्कुल सीक्रेट लोकेशन के अंदर कैसे जा सकते हो। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली किसी भी एक स्क्वाड हाउस के नीचे यहां पर आके खड़ा हो जाना है, एंड जैसे आपका टीममेट बाहर की तरफ से एक आर्कटिक वॉल यहां पर बिल्ड करेगा आपको एक छोटी सी जंप लेनी है, एंड बिना किसी दिक्कत के आप यहां पर स्क्वाड हाउस के अंदर एक बिल्कुल सीक्रेट जगह पर आ जाओगे, जहां पर कोई भी बंदा किसी भी कॉर्ट पर आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, एंड आप अपनी गन हल्की सी बाहर निकाल के बाहर की तरफ शूट भी कर पाओगे। अब गाइस अगर आप चाहो तो इजीली यहां से बाहर की तरफ थ्रोएबल्स फेंक सकते हो, एंड अगर आपका टीममेट बाहर की तरफ यहां पर नॉक हो जाता है तो आप अंदर रहते रहते उसे रिवाइव भी दे पाओगे। अब गाइस आपको यहां पर एक बार एनिमीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा देता हूं, आपको सबसे पहले अपने टीममेट को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको सिंपली उसे यहां पर खड़ा होने के लिए बोलना है, एंड जैसे आप यहां पर कुछ इस तरीके से आर्कटिक वॉल क्रिएट करोगे बिना किसी दिक्कत के आपका जो टीममेट होगा वो यहां पर ऊपर की तरफ एक बिल्कुल सीक्रेट लोकेशन के अंदर चला जाएगा, जहां से उसे बाहर की तरफ से स्पॉट करना नियर अबाउट इंपॉसिबल हो जाएगा, एंड आप इस चीज का पूरा एडवांटेज यहां पर उठा सकते हो। अब गाइस चलते सीधा अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि लिविक मैप के अंदर कैसे आप पावर प्लांट के बिल्कुल टॉप पर जा सकते हो। अब गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि पावर प्लांट के टॉप पर जाना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इधर आके जंप स्पैम करना है, एंड जैसे आपका टीममेट पीछे आपके आके क्राउच होगा बिना किसी दिक्कत के एक ही झटके में आप यहां पर इस बिल्डिंग के टॉप पर आ जाओगे, एंड कोई भी बंदा किसी भी कॉस्ट पर यह एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई इधर भी होल्ड करके बैठ सकता है, एंड आप इस चीज का इन गेम पूरा का फायदा यहां पर उठा सकते हो। अब गाइस मैं आपको एक बार ये ट्रिक करके दिखा देता हूं कि आपको एग्जैक्टली ये ट्रिक करनी कैसे, आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर नीचे की तरफ आ जाना है, जैसे आपका टीममेट सामने की तरफ जंप करेगा आपको उसके पीछे जाके क्राउच हो जाना है, एंड इजीली बिना किसी दिक्कत के आपका जो टीममेट होगा वो यहां पर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब गाइस बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट किए चलते सीधा अपनी लास्ट एंड फाइनल ट्रिक की तरफ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप प्रिजन के अंदर यहां पर एक बिल्कुल सीक्रेट लोकेशन के अंदर जा सकते हो। अब गाइस ये ट्रिक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको एग्जैक्टली इसी जगह पर आ जाना है, एंड यहां
यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से एक आर्कटिक वॉल यहाँ पर बिल्ड करनी है एंड एट द सेम टाइम लेफ्ट हैंड साइड में आपको मूव करना है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, आप बिना किसी दिक्कत के एक बिल्कुल सीक्रेट लोकेशन के अंदर यहाँ पर आ चुके हो, जहाँ से अगर आप चाहो तो अपनी गन हल्की से बाहर निकाल के बाहर की तरफ शूट कर सकते हो एंड बिना किसी दिक्कत के यहाँ से बाहर की तरफ थ्रो बल्स भी फेंक सकते हो। अब गाइस यहाँ से बाहर की तरफ निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से बाहर की तरफ जंप करके आ जाना है एंड इजीली आप यहाँ से बाहर की तरफ आ जाओगे। अब गाइस अगर आप चाहो तो अपने टीममेट्स के साथ भी यहाँ पर अंदर की तरफ जा सकते हो एंड अगर आप चाहो तो इस पूरे के पूरे पत्थर की तरफ भी जा सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पर आ जाना है एंड आप पूरे के पूरे पत्थर के अंदर होल्ड करके बैठ सकते हो एंड अगर लास्ट जोन यहाँ पर बन जाता है तो आप इस चीज का पूरा एंड गेम फायदा उठा सकते हो। अब गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इससे भी कई ज्यादा तगड़ी तगड़ी वीडियोस में टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ।